यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसीसी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास सिक्स एक्सरसाइज 3.2। तो पहला सवाल कह रहा है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है, यदि वे दोनों, अगर दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम होगा या विषम होगा, यदि वे दोनों विषम संख्याएं, अगर वो दोनों विषम संख्याएं हो तो क्या उसका योग सम होगा या विषम होगा। तो देखिए, दोनों विषम संख्याएं अगर हैं तो यहां पर लिखेंगे दो विषम संख्याओं, दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग सम होता है, सम होता है। अब देखिए कैसे, इसे मान लेते हैं एक विषम संख्या है हमारी 11 और दूसरी भी है हमारी विषम संख्या, तो इसका जो योग होगा, देखिए 11 और 13 कितना होगा 24, जो क्या है एक प्रकार से सम है। अगर छोटा सा एग्जांपल भी ले लें, जैसे ये क्या है विषम संख्या है और अगली एक और विषम ले लें तो इसका योग कितना होगा 8, जो कि क्या होगा सम, यानी दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है सम होता है। और फिर कह रहा है सम संख्याएं हो, अगर दोनों सम संख्याएं हो तो उसका भी दो सम संख्याओं का योग, दो सम संख्याओं का योग भी सम ही होता है, योग सम होता है। अब देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं यहां पर हमने लिखा 10, ये सम संख्या है, और 12, तो ये कितना आ जाएगा 22, दोनों सम संख्या है उसका योग भी सम आया। और जैसे मान लेते हैं 2 और 4 दोनों सम संख्या है और इसका योग भी सम आएगा, यानी अगर दोनों संख्या, ठीक, चाहे दोनों सम हो या दोनों विषम, उसका योग सम आएगा। ठीक, अगर ये अपोजिट अपोजिट है तो पहले या आखिरी कोई मैटर नहीं है, जैसे एक सम है और दूसरी विषम, ठीक, तो इसका आंसर विषम आएगा, क्या आएगा विषम। ठीक, अगर दोनों सम है या दोनों विषम है तो उसका आंसर सम आएगा। ठीक, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। तो पहला कह रहा है तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है, तो देखिए समझिए अच्छे से, 1 3, देखिए ये 1 2, दो विषम संख्या है, दो विषम संख्याओं का योग सम होता है, और जब एक अन्य विषम संख्या और जोड़ देंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो विषम ही आएगा, यानी तीन विषम संख्याओं का योग विषम होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है, इसका मतलब यह कथन क्या है हमारा असत्य है। फिर कह रहा है दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या, ये देखिए अब यहाँ पर समझिए, ये दो विषम संख्याएं हैं और एक सम संख्या यानी कोई भी लिख लिया का योग सम होता है। देखिए इसका अब 1 3 4 यानी 8, तो ये हमारा क्या है सत्य है, दो विषम संख्या और एक सम संख्या का योग जो होता है वो सम होता है। फिर बात करते हैं तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, हाँ ये सत्य है, अगर कोई भी तीन विषम संख्या है अगर इनका गुणा करेंगे तो विषम ही संख्या आएगा। ठीक, कोई भी संख्या ले लो 3 5 7, 3 5 6 15 17 105, यानी कोई भी तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम ही होता है, तो यह हमारा कथन क्या है एकदम करेक्ट है। फिर कह रहा है यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। देखिए जिसे मान लेते हैं विषम होता है लेकिन सदैव नहीं, आधा मतलब ज़्यादातर सम और ज़्यादातर विषम, यानी बराबर क्वालिटी होती है। 20 को जब 2 से भाग करेंगे, कह रहा किसी सम संख्या को, तो ये सम संख्या है, उसको जब हम भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है, नहीं, देखिए यहाँ पर आएगा सम, अगर इसको 2 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा विषम, यानी जब किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो या तो फिर सम आएगा या फिर विषम आएगा, लेकिन सदैव विषम नहीं होगा, इसका मतलब यह कथन क्या है हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पर लिखा है भागफल सदैव विषम होता है, नहीं, सम विषम दोनों होते हैं। फिर कह रहा है सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, हाँ ये सत्य है लेकिन गलत है, क्यों, क्योंकि देखो 1 है 3 है 5 है 7 है
और गेरा है, यानी सभी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो विषम होती हैं, लेकिन एक अपवाद है, वो कौन सा है? दो, क्योंकि दो भी अभाज्य संख्या है और ये क्या है? सम। अगर ये दो ना होता तब ये हमारा वर्ड सही होता, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती, हाँ ये सत्य होता, लेकिन ये जो दो है ये भी हमारा अभाज्य संख्या में आता है, यानी ये हमारा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब कह रहा है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, होते हैं। देखिए कैसे, अभी हमने इससे पहले गुणनखंड, एक 23 वाला सवाल था तो उसको हमने लिखा था एक गुणे 23, यानी 23 के गुणनखंड आए थे एक या 23। इसका मतलब या तो फिर एक का पहाड़ा पढ़ो या फिर 23 का, तो इसके गुणनखंड होते हैं, कुछ गुणनखंड नहीं होते तो वो खुद का गुणनखंड होता है। ठीक, इसे अगर 23 सवाल लिखा है तो ये 23, इसका एक गुणनखंड कौन सा होगा? 23 एकम 23, यानी ये गुणनखंड इसका आंसर आ जाएगा 23। अब बात करते हैं तो अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, गलत बात, क्योंकि इसके दो गुणनखंड तो होते हैं एक, ठीक, कोई भी संख्या हो जैसे अभाज्य, जैसे मान लेते हैं 7, तो इसके गुणनखंड दो होते हैं, एक होता है एक, एक तो सबका गुणनखंड होता है और दूसरा वो खुद की संख्या होती है, यानी इसके दो गुणनखंड होंगे एक और 7। अब बात करते हैं दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। अब अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, देखिए कैसे, लेकिन सदैव नहीं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये सत्य था, लेकिन वो जो अभी हमने दो वाला मैटर बताया था जैसे 1 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसका योग सम हो जाएगा, और 7 और 11 इसका भी योग सम हो जाएगा, लेकिन जो वो मैटर ये दो वाला था, अगर दो अभाज्य संख्या में आता है और ये, अब इसका क्या हो जाएगा? विषम। सभी के लिए वो सत्य था, लेकिन ये जो अभाज्य संख्या है, जो अपवाद है, इसके कारण यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, हाँ ये सत्य है, क्योंकि जो भी अभाज्य संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारी की सारी विषम होती है, सिर्फ एक दो ही वो संख्या है जो सम है, ठीक, बाकी सारी की सारी क्या है? अभाज्य। तो कह रहा है केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, हाँ ये कथन सत्य है। फिर कह रहा है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है, हाँ ये हमारा कथन सत्य। देखिए समझिए, सभी सम संख्याएं यानी कोई भी सम संख्या हो, 4, 10, 12, 16 कोई भी संख्या, ये सभी भाज्य संख्या है, लेकिन ये जो दो है अपवाद जो है, इसी के कारण यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिए, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है, गलत, क्योंकि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है सिर्फ दो को छोड़कर, तो इसका इसी दो के वजह से कथन क्या हो जाएगा? गलत। अगर दो भी भाज्य होता तो हमारा कथन एकदम सत्य होता। फिर कह रहा है दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, सत्य है, कि जैसे दो सम संख्या है 2 × 4 तो सदैव सम आएगा, ठीक, 6 × 4 सदैव सम आएगा, यानी दो सम संख्याओं का योगफल सदैव सम होता है, ये कथन क्या हो जाएगा? हमारा सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है, जैसे 13 और 31 दोनों अभाज्य संख्या है, और इन दो संख्याओं में दो अंक 1 और 3, एक ही 3 लिया गया, 1, 3, 1, 3 है, और 100 तक की सभी संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें एक ही संख्या हो, तो वो संख्या है हमारे मान लेते हैं 17 और 71, ठीक, जिसमें 1 और 7 1 और 7 ही है, और ये दोनों क्या है? अभाज्य। और दूसरी संख्या है 37 37 और 73, ठीक, ये भी क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है, और इसमें संख्या है, अंक है सिर्फ 3 और 7। फिर एक संख्या है 79 और 97, ये भी क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है, और इसमें वही अंक यूज हुआ जो इधर है, वही सेम इधर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं लिखिए। तो 20 से छोटी सभी अभाज्य, तो सबसे पहले जब हम अभाज्य लिखेंगे तो अभाज्य में क्या होता है? स्टार्टिंग होती 1 से,
लेकिन एक नहीं लिखा जाता है, एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। इसमें स्टार्टिंग होती है दो से, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह फिर सत्रह, ठीक। अब जब भाज्य लिखेंगे तो जब एक को अभाज्य संख्या में नहीं लिखा गया है तो हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे एक, चार, छः, आठ, नौ, दस, बारह, चौदह, पंद्रह, सोलह, अट्ठारह, ठीक। और इसमें है उन्नीस भी है हमारा, और अट्ठारह, फिर बीस से छोटी, तो अब बीस ना लिखो या लिख भी दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीस तक कहता तब बीस लिखते, अगर बीस से छोटी कह रहा तब नहीं लिखेंगे। फिर कह रहा एक और दस के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो एक और दस के बीच में अभाज्य संख्या बहुत है लेकिन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है सात। देखिए एक से लगा के दस के बीच में ये अभाज्य संख्या है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, सात। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा दो विषम, ठीक, अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। तो जैसे 44 लिखा है तो 44 को देखते हैं सबसे पहले, एक प्लस, देखिए सबसे पहले एक से स्टार्ट किया, एक प्लस 43। अब देखिए ये क्या है, दो विषम है और अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य नहीं, इसको भाज्य मानते हैं। एक को संख्या के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, इसका मतलब ये वाला हमारा नहीं होगा। अब दूसरा अभाज्य संख्या, पहले सबसे पहले अभाज्य लिखेंगे तीन, ठीक। अब तीन है प्लस 41, ठीक। देखिए निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, जैसे 44 लिखा है तो ये दो विषम है और अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिख गया। अब अगला है पाँच 49। अब देखिए 5 49 में ये जो 49 है ये भाज्य है, इसका मतलब ये संख्या हमारी नहीं होगी। तो अगला होगा 7 37, ठीक। ये दोनों विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। फिर 11 प्लस 33, लेकिन ये जो है भाज्य, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर अगला होगा 13 प्लस 31, ये दोनों विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। फिर 17 27, इसका मतलब ये नहीं होगा क्योंकि ये जो है हमारा अभाज्य नहीं है। फिर अगला देखते हैं 19 पर, देखते हैं 19, अबे ये 5 लिखा है इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा तीन सवाल हो गए। अब बात करते हैं 36 की, तो 36 की देखिए 1 और 35 होता है, तो इसमें ये दोनों भाज्य हैं। फिर 3 33 वो भी नहीं होगा। 5 की बात करते हैं, 5 और 31, हाँ ये हो जाएगा, ये दोनों विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। फिर देखते हैं 7, ठीक, और 29, ये दोनों विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। फिर देखते हैं 11 25, वो नहीं होगा, और 13 23, हाँ ये हो जाएगा, देखिए ये दोनों विषम भी हैं और क्या है, अभाज्य भी हैं। फिर देखते हैं 17 19 17 और 19, ये भी दोनों विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। फिर 23 13, देखो 23 और 13 यहाँ पर हम लिख चुके हैं, यानी यहीं पर छोड़ दें, ठीक। तो ये हमारी हो जाएगा, यानी दो विषम अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में व्यक्त करना। अब जैसे 24 की बात करते हैं, तो 24 जो है पहला होगा 1 और 23, लेकिन इसमें क्या है, एक को वो अभाज्य ना मानकर भाज्य मानते, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। फिर अगला देखते हैं 3 और 21, तो उसमें 21 भाज्य है। फिर बात करते हैं 5
और 19, ठीक, ये दोनों अभाज्य संख्या है। फिर बात करते हैं 7, 17, ये भी दोनों विषम है और अभाज्य संख्या है। फिर 11 और 13, ठीक ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं 18 की, तो 18 में देखते हैं 1 और 17 हो सकता था, लेकिन 1 को वो लोग भाज्य मानते हैं, तो आप क्या करेंगे, 3, 15, तो ये 15 भाज्य है, 5 प्लस 13, ठीक, 5 प्लस 13, 7 प्लस 11, ये दोनों विषम भी हैं और अभाज्य भी हैं। फिर 11 प्लस 7 तो सेम हो गया, इसके दो ही आंसर मिलेंगे आपको, ठीक, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। तो अभाज्य संख्या लिखना है तो हम लिखेंगे 3 और 5। देखिए अब ये जो है दोनों अभाज्य संख्या है और इनका अंतर कितने का है, 2 का। फिर हम लिख सकते हैं 5 और 7, ये भी दोनों अभाज्य संख्या है, इनका अंतर कितने का है, 2 का। फिर 7 और 9 तो नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें 9 क्या है, भाज्य है। फिर लिख सकते हैं 11 और 13, ठीक, ये दोनों अभाज्य संख्या है और अंतर कितने का है, 2 का। फिर लिख सकते हैं हम 17 और 19, ठीक। अब हमको सिर्फ 3 लिखना था, हम 4 लिख चुके हैं। आप जो भी संख्या लिखना चाहें, कोई ज़रूरी नहीं कि यही लिखो, 41 और 43, ये भी दोनों अभाज्य संख्या हैं और इनका अंतर कितने का है, 2 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो वो संख्या है 23 और 37, और ये 51 जो है, 17 51 और 26 है 13 2 26, ये भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे 23 और 37 अभाज्य संख्या है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखें जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो वो संख्याएं हैं 7, सिर्फ एक जगह पर है, वो कहां पर है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 क्रमागत संख्या है जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं 21 को जब हम लिखेंगे, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कह रहा है, तो देखिए 3 और 7 कितना होता है, 10, और 10 में अगर 11 जोड़ दें तो हो जाएगा 21, और ये तीनों संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर कह रहा है अच्छा 31 को अगर हम लिखें, तो 31 को हम लिख सकते हैं 3, 7 तो हो गया, यानी 5 और 7 कितना हो गया, 12, 5 और 7 12, 12 में अगर हम 19 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 31, ठीक। अब बात करते हैं 53 की, तो 53 में लिखेंगे हम 13 और 17, 13 और 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 में अगर हम 23 जोड़ दें तो हमारा 53 हो जाएगा, और ये भी तीनों क्या है, अभाज्य संख्या। अच्छा 61 की बात करें तो सेम इसी प्रकार से 13 और 17 कितना हो गया, 30, और 30 में अगर हम 31 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 61। ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही संख्या लो, आप कोई दूसरी संख्या लिखकर भी बना सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य है। तो वो संख्या है 2 प्लस 3, ये दोनों अभाज्य संख्या है जिनका योग कितना है, 5। देखो कह रहा 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य, तो ये जो योग है तो ये 5 से विभाज्य है। फिर बात करते हैं आगे 3 और 7, ठीक, 5 युग्म लिखना है यानी 3 और 7, जिनका योग कितना हो जाएगा, 10, जो कि क्या है, 5 से विभाज्य है, और 5 युग्म कह रहा है, तो आगे लिख देंगे हम
सात और तेरह ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं जो जिनका योग कितना आएगा 13 7 20 जो 5 से विभाज्य होगा। 15 के लिए तो नहीं बनेगा हमारा, ठीक। और फिर देखते हैं, तेरह और सत्रह कितना हो जाएगा 30। और ये जो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इसका योग जो होगा वो 5 से कट जाएगा। फिर बात करते हैं 17 और 23 7 3 10 40 जो कि 5 से विभाज्य। जरूरी नहीं कि आप यही रखें, आप कोई अन्य संख्या भी रख सकते हैं। नंबर 12 कह रहा है निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। तो सबसे पहला कह रहा है ए पार्ट, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो एक कहलाती है क्या। देखिए वो होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब देखिए कैसे, जिससे मान लेते हैं 23 है तो 23 अभाज्य है। अगर इसके गुणनखंड करें तो सिर्फ 1 और 23 यही दो गुणनखंड होते हैं। फिर कह रहा है वह संख्या जिसके केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो, जब 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वो संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? वो संख्या होती है हमारी भाज्य संख्या। अब बात कह रहा है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है। फिर बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें समझो, एक ये जो है ये तो ना तो भाज्य माना जाता है ना अभाज्य, और ये जो 2 है ये हमारी अभाज्य संख्या होती है जो सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? अब ऐसे तो एक है लेकिन एक को ना तो भाज्य मानना है ना अभाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है हमारी 4। फिर कह रहा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। सम विषम तो आप डायरेक्ट जानते हैं, जैसे ये सम है, ये सम है, ये सम है और ये सम है, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। ठीक, क्लास 6 एक्सरसाइज 3.2 डाइंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद।